मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े सत्ता पाई वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन साथियों, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है और भोर से ठीक पहले, उजियारे से पहले आज तेलंगाना में भी ऐसे ही कमल खिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के परिश्रमी मेहनती कार्यकर्ताओं की वजह से अब तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है। अभी मुनुगुड़े की जनता ने जिस प्रकार भाजपा पर भरोसा जताया है वो अभूतपूर्व है। और मैंने देखा कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की पूरी तेलंगाना राज्य सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। बड़े आकाओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि जनता के आप पर आशीर्वाद है और आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। आपने हर बूथ पर कितनी ईमानदारी और लगन से काम किया है, इसका ये सबूत है। भाई, बीते कुछ समय से जो भी उपचुनाव हुए हैं, सभी उपचुनावों का एक ही संदेश है, तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। साथियों, बीजेपी का तेलंगाना के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। 1984 में, 1984 में जब हमारी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से एक इसी राज्य की हनमकोंडा सीट थी। हमारे जंगा रेड्डी जी जीत करके आए थे। तेलंगाना के लोगों ने सबसे मुश्किल समय में, जब हमारे बहुत बुरे दिन थे, तब भी तेलंगाना ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था।
तब तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने जो तप किया उसी के कारण आज बीजेपी लोकसभा में 300 से अधिक सीटों की पार्टी है। आज तेलंगाना की जनता बीजेपी को तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए भी मन बना चुकी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अपनी विरासत को संजोते हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये शहर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किला है, किला। जब मैं देखता हूं कि इस आधुनिक शहर में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है तो बहुत दुख होता है। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की सरकार ने अंधविश्वास को राज्याश्रय दिया हुआ है। यहां तेलंगाना में अंधविश्वास के नाम से क्या क्या हो रहा है ये पूरे देश को, देश के लोगों को जानना चाहिए। कहां रहना है, किस दफ्तर में जाना है, किसे मंत्रिमंडल में रखना है, मंत्रिमंडल कब बनाना है, मंत्री में से किसको निकालना है, ये सारा अंधविश्वास तय करता है। तेलंगाना का विकास करना है, उसे पिछड़ेपन से निकालना है तो हमें सबसे पहले यहां से हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना होगा। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं तेलंगाना में सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर परिवार के लिए काम करने वाली सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। तेलंगाना की जनता फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट की राजनीति चाहती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये विकास के, लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन है। आज मैं तेलंगाना में भ्रष्टाचार और परिवार के विरुद्ध जो जनाक्रोश है, जनता जनार्दन में जो गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, वो आज हिंदुस्तान देख रहा है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं, मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं, गरीब के ओ लूटने वालों को, गरीब को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज आपने देखा होगा कुछ लोग
कार्रवाई से बचने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता, देश की जनता ये देख भी रही है, समझ भी रही है। साथियों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों से लगातार मोर्चा ले रहा है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप याद करिए, पहले राशन की दुकानों में कैसे गरीबों का राशन लूटा जाता था। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उपयोग करके करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया। अब सरकार का बेनिफिट सीधे गरीब के बैंक खाते में पहुंचता है। अब केंद्र सरकार की अधिकतर सुविधाएं ऑनलाइन है, इससे घुसखोरी की आशंका कम हुई है। आज भीम यूपीआई के कारण देश में कैश लेन देन की मजबूरी कम हुई है। जब पेमेंट भी ऑनलाइन होती है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हो जाती है। आखिर सरकार और जनता के बीच बिचौलियों की क्या जरूरत है भाई? सरकार सीधे जनता तक पहुंचे और जनता सीधे सरकार तक, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का ब्रिज बनाया है। तेलंगाना में भी भाजपा ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए तैयार है। मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना के बूथ बूथ में जाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनकी मदद करें। और एक बात जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। बताऊं? देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए,
बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश, अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए, हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझिए। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने
किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी है यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। 2013 में मैं नव भारत युवा भेरी उसमें शामिल होने आया था। उस वक्त में अपनी पार्टी का पीएम उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था, लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मैं कभी आपके उस प्यार को भूल नहीं सकता हूं, और मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाता रहता हूं, लौटाता रहूंगा, विकास करके लौटाता रहूंगा। भाइयों, तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार इंडिया फर्स्ट के विजन और संविधान को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी, और सरकार बनाने के बाद हम निरंतर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बीते 8